झेरा दे जो पीछे श्रोता बंधु अंधेरे में बैठे जो उजारे में आ जाए, पीछे अंधेरो हेरो आगे आ जाए। आदरणीय गोपाल राम जी सैनी जी जहां कहीं भी हो स्टेज मंच पर आए, हुकम सिंह जी फौजदार जी जहां कहीं भी हो स्टेज मंच पर आए, आपका इंतजार किया जा रहा है। जयराम जी फौजदार जी कृपया जल्दी से जल्दी स्टेज मंच पर आए। चलो प्रेम सिंह भैया चलन दो साहब फेंकाड़े थे विद्वान श्रोता हो। सबसे पहले सभी श्रोता बंधुओं को प्रेम सिंह ईश्वरी की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। सात दिन आपने श्रीमद् भागवत रसपान किया, भागवत कथा का रसपान किया और आज आठवें दिन भगवान की असीम कृपा से आपके बीच में भजन जुगड़ियों का प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश भगवान का आह्वान किया जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजानन भूत गणाद थे कपित जम्बू फल चार भक्षुणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश भगवान की। ऐसा बताते हैं आप जैसे विद्वान लोग, साधु संत भी बताते हैं और रामायण के अंदर बाबा तुलसीदास भी लिख गए बड़े आराम से बड़े भाग मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। ये मानव का शरीर हमारे लिए 84 लाख योनि भोगने के बाद में मिला है और ये मिला क्यों है? परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को अच्छे ढंग से बनाया, एक एक चीज अनमोल लगाई। जीवन में भजन करना जरूरी है, भजन से ही मुक्ति है और भजन में ही शक्ति है, शक्ति में कोई भक्ति नहीं है सर्वो। लेकिन कबीर आज अपने शब्दों में चार लाइनों में एक विचार करके लिखते हैं, क्या लिखा है? क्या सोच के बता साथ ले करके आ कुछ भी ना लायो है मार के दहाड़े अब काहे कुरो रहो ऐसो कहा गमायो जाए संग लेके आयो है। कितनी जमीन इन हाथन से तीन गज जमीन जग समायो है कहे कभी लखन करे प्रभु को भजन हरने पार बेड़ा देख बहुतन को लगायो है।
सबसे पहले जिकड़ी में जिकड़ी की जड़ होती है साखी, जिसको साखी बोलते हैं। सर वो साखी पर गौर करेंगे और साखी को अध्यात्म में क्या लिखा है। अरे हो आए लिलहार। कोई भी बच्ची अपने माता पिता से यह नहीं कह सकती कि मेरी शादी कीजिए मेरा विवाह कीजिए, लेकिन फिर भी कह रही है क्यों। आए लिलहार हरी बैठे और तेरे देखी कराए दे। अरे मैया मोए जला दी दे बेदारी कराए दे। जाऊंगी ससुराल ली समय ना मेरे भरा बनाए दे मला मला गिरी स्नान तू कराए दे। अरे मला मला गिरी स्नान तू कराए दे। अरे मला मला गिरी स्नान तू कराए दे। 51 रुपए का पुरस्कार हरवीर सिंह जी इनामत देते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। माला माला के तो स्नान तू करा है दे। अरे माथे पे हलक सो तिलका, माथे पे हलक सो तिलका लगा है दे। ₹51 का पुरस्कार कुमार और ₹51 का पुरस्कार गुनी राम गुनी। कोई बात नहीं, एकदम मैं बोल रही हूं कुमार राम गुनी जन का आशीर्वाद के रूप में देते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। सुनिए सर्वो। अरे माथे पे हालातों सो तिलक कहा लगा है दे। अरे अब तक खूब रही मैं तेरे अंगना। अरे अब तक खूब रही मैं तेरे अंगना। अरे अब पहरूंगी प्रीतम कोरी कंगना। अरे अब पहनूंगी प्रीतम कोरी कंगना। अरे जिनके संग में कूदिया खेली। अरे जिनके संग में कूदिया खेली। अरे संगना है
संग ना है जाएंगी मेरी संग की सहेली, अरे बार आखिरी मैया खेल ले होली, अरे बार आखिरी मैया खेल ले होली, और लचकता जाएगी ओ मेरी है। चकता जाएगी ओ मेरी डोली, अरे मैया मोटे कर ले तू लाड़ा दुलार, अरे जननी कर ले लाड़ा दुलार, अरे दखल के अब ले जाएगो सजना, रसिया की झलक जिसको भरतपुरी रसिया बोलते हैं, अरे रहेगी कब तक पीहर में, पीहर में नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, और आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। एक बात और बता दूं आपके लिए, जिगड़ी गाये कम से कम 3 महीने आएंगे वो, या वो बात है तो बताऊ क्यों मैंने भागवत में चले जाऊं या बजे थे, जिगड़ी गाना कुछ कम कर दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, कोशिश करूंगा सेवा करने की। वैसे कोई चीज है सीख ले वो भूली ना जाए, हालांकि जो बीत गए वो जमाने नहीं जाते, और जो आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। दिमाग को लगाएंगे कहां, जैसे आज अपनी सभा लगी है ऐसे ही दुर्योधन की सभा लगी है, और सभा के अंदर कुछ काशी के ब्राह्मण पंडित लोग आए हैं, ब्राह्मणों को देखा, आइए विप्रदेव विराजमान हो जाइए, भोजन प्रसादी लीजिए, लेकिन एक सवाल रख दिया। सवाल क्या है, हमारे दिनों के बारे में देखिए, आजकल हमारे दिन कैसे चल रहे हैं। दुर्योधन के सुनबेन, दुर्योधन के सुनबेन विप्र ने वचन उचारो, और जो तुसलैया छान कहूं ना मिलो सहारो, तारी लगी जंग की नीम, त्यारी लगी जंग की नीम, और तुम सो भैया कौरवन को मार गो एकलो, भीमसेन तुम्हारा काल बन गया है। जब भीम का नाम सुना ना दुर्योधन पापी ने, एकदम से खड़ा हो गया, हलकारो दियो भेज दुष्ट ने, एक मंत्री को बुलाया, हलकारो दियो भेज दुष्ट ने, भ्राता करण बुलायो है, और हाथ पकड़ के कहने लगे, फिर ऐसे वचन सुनायो है। विप्र ने जो बात कही, अरे पंडित ने जो बात कही, तू या को ध्यान लगा ले, और हम सो उनकी जान बचा ले, तेरे हाथ में है जान बचाना, लेकिन बुलाया किसको, दानवीर करण को नहीं, जिसको करण विकरण बोलते हैं, वो करण बुलाया, और क्या जवाब दिया है सर, वो क्या बोले हैं, अरे देखो फट जाए अंबरे धरन सुनो अवे,
ना बात एक मेरी और ले पन्नन को और ले पन्नन को ढूंढ रे छोरा घर है मैदी दे हेलो आजी हुकम मोहतार जी स्टेज पे पधारे साहब जल्दी जल्दी और दया जी पधारे साहब दया मोहतार जी स्टेज पे अरे बड़े भाग मानुष तन पायो अरे बड़े भाग मानुष तन पायो भटक भटक चौरासी तने बड़े भाग मानुष तन पायो भटक भटक चौरासी और अब को दाब चूक जाए सर वो परे गड़े में फांसी जवाब दिया है पहले साखी बोल हाँ बात कम करो तुम जवाब दिया है अपने भ्राता श्री से बोले ले जो पदकू पांडव घूमे ले जो पदकू पांडव घूमे दर दर ठोकर खाते हैं ले द्रौपदकू पांडव घूमे दर दर ठोकर खाते हैं और दिल मेरे में चैन नहीं वो दीखे उल्टे आते हैं जादन पांडव आ जाएंगे जादना पांडव आ जाएंगे कैसे बात बनेगी और हर हालत में रार जब बन से पांडव लौट के आएंगे ना तो एक बटा दो हिस्सा होगा और सर्वो क्या जवाब दिया 51 रुपए का पुरस्कार भगवान सिंह जी हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं बार बार अभिनंदन करते हैं। एक रिक्वेस्ट एक विनती की है दुर्योधन बोले अपने भ्राता श्री से क्या बोले क्या जवाब दिया अरे अरे भैया इतना सो मत बोलो अरे मेरा छोटो सो और काम तू बना ले और मेरा इतना सो और फरज निभा दे और भैया मोकुसी सभी हिमा को ला दे
कपट से, धोखे से, राजी से, कैसे भी जाकर के भीमसेन को खत्म करना है। क्यों? हमारा 100 भ्रातों का काल अकेला भीमसेन बन गया है। लेकिन सर्वो वो पापी त्रियोदन अपने भ्राता श्री विक्रण को समझाते हैं, एक बात और कही, निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है, विनती की है। क्या क्या बोले हैं? और तुम पीछे वालों ने कम बोलो, और जिकड़ी में समझ में आ रही है का? मैं जिकड़ी गाऊंगा बिल्कुल सूखी दांस, बैसो सौदा ना गाऊंगा। अरे गा आज होनी, क्या बोला? अरे गा आज होनी सर पे हमारे रही है गहारे। अरे रहा जब वो तो, अरे रहा जब वो तो मांगेंगे आहे कि आदो राज। क्यों? अरे रहा जब वो तो मांगेंगे आहे कि आदो राज, अरे रहा जब वो तो मांगेंगे आहे कि आदो राज। अरे हर हालत में अरे जंग थनेगी, अरे हर हालत में जंग थनेगी। इक्यावन रुपए का पुरस्कार पिच्ची मेना जी, आशीर्वाद की कामना करेंगे, बारंबार अभिनंदन सर्वो। अरे बनाते लोटे, इक्यावन रुपए का पुरस्कार नारसिंह जी की तरफ से, आशीर्वाद की कामना करेंगे सर्वो। अरे बनाते हैं लोटे पंडा बहा अहमे, अरे रहा जब वो तो, अरे रहा जब वो तो मांगे है आहे कि आल हो रहा, अरे रहा जब वो तो मांगे आहे कि आल हो रहा। ये छोरा जो वीडियो बना रहा है समय सिंह, ये रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठुमर से, और आपके बीच में जो गान प्रस्तुत कर रहे हैं मास्टर प्रेम सिंह ईश्वरती अलवर से। और सर्वो लाला जो कह रहो तुम्हारी सलना है परी मेरी पहले प्रोग्राम, अब के तुम्हारी वीडियो अच्छी तरह बनाऊंगा। अरे हर हालत में, अरे हर हालत में जंग थनेगी। क्यों? अरे ताज मेरो, ताज क्या है? अरे ताज मेरो छिना तो दी कैसे रखो ताज, अरे ताज मेरो, ताज मेरो, ताज आप सुनिए गाना, क्यों पीछे से बतराए बहुत रहे। हाँ टाइम भी शायद है गो होगो भाई। 51 रुपए का पुरस्कार गोपाल राम जी से नहीं, आशीर्वाद की कामना करेंगे, बारंबार अभिनंदन करते हैं।
हाँ जी गाना सुनिए, गाना भी धार्मिक और मार्मिक है। आज ही टेम है वो साहब, कौशल जी भोंगी साहब जी तैयार रहे मैं साहब नंबर पर। कौशल जी भोसिंग वाले में तुमने जान कहा बोलो है। चलो दो मिनट का गाना। लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके ले गया और माँ सीता बैठी है अशोक वाटिका में। सर्वो लंकापति रावण माँ सीता के पास वहां आता है और जवाब दिया है वो कहना एक बार बिलोक मंगोरा, एक बार मेरी तरफ नजर के उठ नजर उठा के देख ले। बहुत से कमारे ऐसे कहते हैं रावण अब सीता माँ को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, नहीं कदापि नहीं। लंकापति रावण यह चाहता था अगर सीता मेरी तरफ एक बार देख लेना तो मेरी सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाए। लेकिन माँ सीता बोली और क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया कहने लगे और मत बोरी अवला जाने, क्यों और मत कोरी अवला जाने और तू राजी देना है। सुनो रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो रे, 51 रुपए का पुरस्कार रतन सिंह जी फौजदार आशीर्वाद की कामना करेंगे। और क्या बोली अरे एक दिन सुनो रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो रे, अरे 3600 थे व्यंजन माह में ऐसो थार सजायो रे। इसी बीच 51 रुपए पुरस्कार हरिओम फौजदार जी आशीर्वाद के रूप में देते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। अरे 3600 के पिंजलवा में ऐसो थार सजायो रे, अरे ससुरा कू में चली जमामन मैंने आगे कदम बढ़ायो रे, अरे तिनका गिर गयो थारी में जाने कितते उड़ के आयो रे, न जाने कहां से भोजन की भरी हुई थाली में एक तिनका आ गया। मैं मेरे पिता दशरथ के लिए भोजन 36 प्रकार के व्यंजन बना के ले जा रही थी, लेकिन विचार किया है अरे नीचे धरु अपमान हो, नीचे धरू अपमान होए मैंने खुद की अकल लगाई रे, अगर भोजन की थारी को जमीन पे रखती हूं तो भोजन अशुद्ध हो जाता है, भोजन का अपमान होता है क्यों। अरे नीचे धरू अपमान होए मैंने खुद की अकल लगाई रे, खुद की अकल लगाई रे, करी नजर डालत निकाप मेरे, करी नजर डालत निकाप थारी में दियो जराई रे, और आग लगा दी तनका में दशरथ ने लई लखाई रे, दशरथ ने लई लखाई रे। जैसे ही मैंने मेरी दब दृष्टि से उस तिनके को जलाया, पिता दशरथ ने देख लिया क्यों, जैसे ही भोजन की थाली को पिता के सामने रखा, पिता दशरथ हाथ जोड़कर बोले सीता एक बात सुनिए गौर से, क्या बोले क्या जवाब दिया, नजर ते
की तो पल में पल्ले पारेगी और यही नजर तेसिया का उदिन मेरे राम को मारेगी, यही नजर तेसिया का उदिन मेरे राम को मारेगी और दे दे बचन करूं मैं भोजन अपने प्रण को पारेगी। दरवाजा दीजिए जब मैं भोजन करूंगा लेकिन अपने प्रण को पारेगी और आज ते पीछे करी नजर का और अपना तू पारेगी। पिता दशरथ के लिए तीन वचन दे दिए मां सीता ने और सर्वो अब रावण से कहा सुनिए लंकापति रावण क्यों नहीं देख सकती। अरे पंचवटी पे रावण तूने, अरे पंचवटी पे रावण तेने पकड़ो हाथ हमारो है, अरे पकड़ो हाथ हमारो है और मही बसम तो कर देती ये कामना मोकू भारो है। उसी जगह पे कहानी को खत्म कर देती लेकिन मही बसम तो कर देती ये कामना मोकू भारो है और दशरथ को जो बचन दियो मैंने बाई को प्रण पारो है और दूर नजर ते है दियो कह लखनियो बरगे